हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राम टेक्निकल हेल्प। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो .NET फाइल है, .NET फ्रेमवर्क है, वो आपको कैसे आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करना है, जैसे .NET फ्रेमवर्क 3.5 या फिर जो .NET 2.0 एंड 3.0, वो आपको आपके सिस्टम के अंदर कैसे इंस्टॉल करना है, हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसी बहुत सारी वीडियोज मैं लेके आता रहता हूँ, चाहे वो यूट्यूब से रिलेटेड हो, डेस्कटॉप से रिलेटेड हो, या फिर लैपटॉप, या फिर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको हर टाइप का आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आपको ये .NET फ्रेमवर्क जो इंस्टॉल करना है, उसके लिए आपको क्या करना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपको स्टार्ट बटन दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है और आपको रन में जाना है। ठीक है, आपको विंडोज 10 के ऊपर .NET फ्रेमवर्क 3.5 चाहिए, तो वो कैसे इंस्टॉल करना है, यहाँ आपको सबसे पहले स्टार्ट पर क्लिक करना है, फिर आपको कंट्रोल इसमें रन में जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको टाइप करना है कंट्रोल CTRL और कीबोर्ड से एंटर प्रेस करना है, या फिर आपको ओके बटन प्रेस कर देना। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपको ये प्रोग्राम सेंड फीचर्स करके का ऑप्शन मिलेगा, यहां पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, और उसके बाद आपको यहां पर टर्न विंडोज फीचर्स और ऑन और ऑफ, यहां पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इसको मिनिमाइज। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा आपको .NET फ्रेमवर्क 3.5। बट पहले फ्रेंड्स, आपको एक मेक श्योर करना है, आपको क्या करना है, वापस एक बार राइट क्लिक करना है कि जो आपका विंडोज का सर्विस है उसके अंदर जाना है, और आपको विंडोज अपडेट चल रहा है या नहीं चल रहा है वो आपको एक बार जरूर चेक कर लेना है। यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, ठीक है, स्टार्ट बटन पर, एंड देन क्लिक ऑन रन बटन। वापस यहाँ पर आपको टाइप करना है services.msc, ये आपको टाइप करना है इधर, ओके बटन पर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको विंडोज अपडेट सेटिंग्स पर क्लिक करना है। जो आपका सर्विस है ये विंडोज अपडेट, यहाँ पर आपको मेक श्योर करना है कि ये यहाँ पर स्टार्ट होना चाहिए, ना कि डिसेबल्ड। ओके, यहाँ पर आपको डबल क्लिक करना है। अगर आपका डिसेबल्ड है यहाँ पर, तो आप उसको स्टार्ट कर लीजिए। अगर आपका स्टार्ट है, वेल एंड गुड, आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको, यहाँ पर डिसेबल्ड है तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ऑटोमेटिक पर सिलेक्ट करूंगा और अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और ओके बटन पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर देखिए, ऊपर स्टार्ट बटन का एक स्टार्ट बटन आ जाएगा, यहाँ पर मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, ये स्टार्ट हो गया है। अभी स्टार्ट होने के बाद यहाँ पर आपका जो विंडोज सर्विस है यहाँ पर रनिंग में आ गया है, अब इसको कर देंगे बंद। अभी आ जाते हैं हम लोग इस विंडोज के ऊपर। यहाँ पर आपको ये .NET फ्रेमवर्क 3.5 दिख रहा है, यहाँ पर आपको जस्ट क्लिक कर देना है, इसको सिलेक्ट करना है आपको। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपको चेक कर देना है और ओके बटन पर क्लिक करना है, और आपका जो इंटरनेट चलना चाहिए प्रॉपर, यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर वो फाइल को सर्च करेगा और यहाँ पर आपको इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा, लेट विंडोज अपडेट डाउनलोड द फाइल फॉर यू, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इंटरनेट से डाउनलोड करेगा वो फाइल्स। इसके लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, वो इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट कैसे चल रहा है, और यहाँ पर वो इंस्टॉल कर देगा उसको। अभी हम लोग थोड़ा वेट करते हैं इसके लिए। तो फ्रेंड्स, इधर आप देख पा रहे हो उसने डाउनलोड किया था, वो अभी अप्लाई चेंजेस पर चला गया है और ये कर देगा जो भी इसको चेंजेस करने हैं। सो फ्रेंड्स, इधर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो कम्प्लीटेड है, आपका यहाँ पर कम्प्लीट हो चुका है, जो 3.5 का इंस्टॉलेशन यहाँ पर कम्प्लीट हो चुका है। इसको आप एक बार क्लोज कर दीजिए, वापस से हम लोग जाकर देखेंगे कि हमारा 3.5 फ्रेमवर्क है वो इंस्टॉल हुआ है या नहीं है। वापस से हम लोग कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे, वापस से इसके इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिख पा रहा है कि जो आपका .NET फ्रेमवर्क है 3.5, यहाँ पर आपका इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आई होप आप समझ गए होंगे कि जो फ्रेमवर्क है .NET फ्रेमवर्क 3.5, जो आपका या फिर .NET 2.0 इसके अंदर ही रहेगा, ये आपके यहाँ पर इंस्टॉल हो चुके हैं। ठीक है, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक और शेयर।
थैंक यू सो मच।